भाई शोएब अख्तर जैसे लोगों के 10th के पेपर में शुद्ध तरीके से पासिंग नंबर भी पार ना हो, लेकिन इनको सपने देखने बॉर्डर पार करने वाला। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं रौनक और आप देख रहे हैं फनतंत्र। इतनी बेइज्जती तो मेरी इंजीनियरिंग के एग्जाम में मोबाइल नंबर जैसी रैंक लाने पर भी नहीं हुई थी, जितनी बेइज्जती पाकिस्तान की ICC की डेकेड रेटिंग वाली लिस्ट में एक भी खिलाड़ी न होने पर हुई है। वैसे बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि बेइज्जत होने के लिए थोड़ी बहुत इज्जत भी होनी चाहिए, लेकिन रिकॉर्ड्स बताते हैं कि 47 से पाकिस्तान ने ये चीज भी पहले अमरीका को और अब चीन के पास गिरवी रख दी, यानी इज्जत। पिछले हफ्ते शोएब अख्तर का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो गजवाए हिंद की बातें करते नजर आ रहे थे। उस वीडियो में ये बता रहे थे कि कैसे उनकी फौजें पहले कश्मीर को ले लेंगी और बाद में बचे हुए भारत पर हमला करेंगे वगैरह वगैरह। भाई साहब, लिया इनसे 2 किलो टमाटर नहीं जाता है, घर में बंधी बकरी को भी घास खिलाने के लिए पैसे नहीं है, सुतली बम भी फट जाए तो इनको लगता है हिंदुस्तान का अटैक हो गया है भाई साहब। और ग्रुप में सारे दोस्तों से उधारी लेकर पौआ जुगाड़ने वाले लोग जब ऐसी बातें करते हैं तो बेन स्टोक्स की कसम, मन करता है बाण मार दूं, बाण मार दूं। आज वही शोएब अख्तर रोते हुए नजर आ रहे हैं कि बिक गई है ICC की गवर्नमेंट, बिक गई है। खैर, पाकिस्तान का रोने का रिकॉर्ड कोई नया नहीं है, जिन्होंने पूरा देश ही रो रो कर लिया हो उनसे आप उम्मीद भी क्या रखोगे। खैर, इनका मानसिक संतुलन तो 2003 वर्ल्ड कप में सचिन पाजी बिगाड़ ही चुके हैं, बाकी इलाज वीरू पाजी ने बाप बाप होता है और बेटा बेटा वाला किस्सा सुना के पूरा कर दिया था। 30 रुपए एक अंडे की कीमत हो गई है इनके मुल्क में और सपने गजवाए हिंद के। ऊपर वाला रहम करे कि कोरोना कोई आदमी नहीं है, वरना ये उससे भी उधार ले चुके होते अब तक, और इनको गजवाए हिंद चाहिए। अगर चीन इन्हें कर्जा न दे तो दुनिया के सामने इनके लत्ते तक बिक जाएं और गजवाए हिंद के सपने। हिंदुस्तान में हर हफ्ते जितने लोग गुटखा और पान मसाला खाकर थूक देते ना भाई साहब, उसका अगर प्लास्टिक भी ये लोग बेच देना तो अमीर हो जाएं, ये हाल है इनका। और सपने गजवाए हिंद के। रोटी की कीमतों को लेकर इनके यहाँ आए दिन आंदोलन हो जाते हैं और सपने गजवाए हिंद के। अरे, जान से ज्यादा जहां नान प्यारी हो उनके सपने हैं गजवाए हिंद के। पानी रोक देने की बात भर से जिनके गले सूख जाते हैं उनके सपने हैं गजवाए हिंद के। अरे, बलूचों और पश्तूनों पर पीठ पीछे हमला करते हैं और सपने देखते हैं गजवाए हिंद के। दुनिया कोरोना को लानत दे रही है, लेकिन पाकिस्तान में इन्हीं हरकतों की वजह से कोरोना इनको लानतें दे रहा है। इनको तो वैक्सीन की भी जरूरत नहीं है, कोरोना भी इन्हीं हरकतों की वजह से खुद इनसे तौबा तौबा कर लेगा। मासूम सिख हिंदू क्रिश्चियन बच्चियों को अगवा कर उनका धर्म परिवर्तन करवाते हैं और सपने गजवाए हिंद के। शोएब भाई को हमारी एक बाप वाली सलाह है, जी हाँ, बाप वाली सलाह, कि गजवाए हिंद का सपना भूलिए, तुमसे ना हो पाएगा। और इंडियन आर्मी, ये शब्द सुनते ही पतलून से ज्यादा जिनकी हवा टाइट हो जाए वो कुछ लेने की बात नहीं करें तो अच्छा है। और रही बात ICC की, तो गलती ICC की भी है भाई। उनको पता होना चाहिए था कि पाकिस्तान भी क्रिकेट खेलता है, और कुछ कैटेगरी तो ऐसी भी बनानी चाहिए ना कि जिसमें पाकिस्तानी प्लेयर्स फिट हो पाए, जैसे कि एक कैटेगरी बनाते बेस्ट फिक्सर ऑफ द डेकेड। हमारा पाकिस्तानी भाई एक अवार्ड तो ले ही आता, एक कैटेगरी बनाते बट्टा बॉलर ऑफ द डेकेड, फिर से पाकिस्तानी को अवार्ड मिल ही जाता। एक और कैटेगरी होनी चाहिए, गड्ढा फील्डर ऑफ द डेकेड, ये भाई को भी इसका अवार्ड जरूर मिलता। और एक आखिरी कैटेगरी हो सकती थी KLPD वाली टीम ऑफ द डेकेड, तो पूरी की पूरी पाकिस्तानी टीम ही गोल्ड मेडल ले सकती थी। पर एक सेकेंड, एक अवार्ड तो जेन्युइनली पाकिस्तान का बनता था और वो था इस भाई का, डिसअपॉइंटमेंट ऑफ द डेकेड का अवार्ड, है कि नहीं? इसीलिए मैं पाकिस्तान की आवाम से कहना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों को कम से कम अपना हीरो न ही बनाए तो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसी IQ के लोग SSC का पासिंग मार्क भी न क्रॉस कर पाए और बातें बॉर्डर पार करने की कर रहे हैं। कमाल बेशर्मी है भाई साहब। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो शेयर जरूर करें, इसे लाइक भी जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को भी लाइक करें। जल्दी मिलते हैं, जय हिंद।